हेलो फ्रेंड्स, और आप लोग कैसे हैं? तो गुंजन की रसोई में आपका स्वागत है, और मैं ऐसे नई नई रेसिपी लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो मेरा वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा, और देखने के बाद इसको थोड़ा शेयर करिएगा, इसलिए कि मेरे 3000 घंटे पूरे हो गए, 1000 घंटा बाकी रह गया है। तो आप लोग थोड़ा सा, मेरे पास 1 महीना बाकी है, तो आप लोग थोड़ा इसको शेयर करके और पूरा करवा दीजिए। जब यहाँ तक आप लोग ले आए, हमें थोड़ा आगे भी ले चलिए। तो आज हमने आप लोगों के लिए क्या बनाया, आइए बनाना शुरू करते हैं। ये हरी मिर्च है, लहसुन और प्याज को अच्छे तरीके से धुल के काट के रख लिया है हमने, और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्सी में पीस के इसका पेस्ट बाहर निकाल लेंगे। तो आज हम बनाएंगे छोले। ये देखिए, हमने गैस पे कुकर रख के उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया था, और उसमें जीरा डाला है 1 चम्मच के लगभग, और ये लौंग है, और ये काली मिर्च है। लौंग और काली मिर्च का तड़का लगाइए, अगर तेज पत्ता आपके पास हो तो आप लोग तेज पत्ता भी इसमें डाल दीजिएगा। और ये लहसुन, हरी मिर्च और प्याज का हमने जो पेस्ट बना के रखा है उसको हमने ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें जब अच्छे तरीके से महक आने लगती है, तब इसमें हम थोड़े से ये 1 चम्मच के लगभग हल्दी डाला है, और 2 चम्मच के लगभग गरम मसाला है। अब इसको हम अच्छे से भून ले रहे हैं, और इस तरह का रेस्टोरेंट में जैसे छोले बनाए जाते हैं, उस तरह हमने घर पे बनाए आप लोगों के लिए, और बहुत अच्छे छोले बन के तैयार हुए थे। तो ये मैंने थोड़ा सा लिया है 4 चम्मच के लगभग दही, तो ये 1 चम्मच धनिया पाउडर है, और 1 चम्मच हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया है, और 1 चम्मच ये चाट मसाला है। और अब इसको हम अच्छे तरीके से दही में मिला दे रहे हैं, इसका पेस्ट बन जाएगा। बनने के बाद वो जो मसाला हमने भून के रखा है कुकर में, प्याज लहसुन हरी मिर्च का, उसमें हम इसको डाल दे रहे हैं कुकर में, और इसको अब अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। और दही में इस तरह मसाला मिला के आप छोले बनाइए तो बहुत अच्छा है, बन के तैयार होता है, और बहुत अच्छे ये छोले बनते हैं। तो हमने सोचा आप लोगों के साथ भी इसी तरह ट्राई कर लिया जाए, दही वाले छोले। तो आप लोग इसको ज़रूर घर पे बनाइएगा, और खाने में बहुत अच्छा ये होता है। तो ये मसाला मेरा अच्छे तरीके से पक गया है, पकने के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से महकने लगा था। तो हमने ये 2-4 टमाटर पीस के रखा था मिक्सी में, उसको भी हमने डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से टमाटर भी मिल गया है, तो ये ग्रेवी बन के कितनी अच्छे से तैयार हो गई है। तो ये हमने छोले वाले जो चने थे इसको उबाल लिए थे, उबाल के रख लिए थे। तो हमने एक कुकर में उबाल लिया था एक तरफ, तो ये दूसरी तरफ एक कुकर में हमने मसाला तैयार कर लिया था। और ये देखिए मसाले कितने अच्छे से जब तैयार हो गए थे, तो हमने चने डाल के इसको चला दिया है, और अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है। उसके बाद देखिए कितना अच्छा मसाला देखने में लग रहा है, और दही डालने के बाद। तो दही वाले छोले आप ज़रूर बनाइएगा, और इसके साथ आप भटूरे भी बनाइएगा। और ये देखिए पक के कितने अच्छे से तैयार हो गए, गाढ़े गाढ़े ये छोले मेरे बन के तैयार होंगे। लेकिन अब इसको हम थोड़ी देर के लिए कुकर बंद करके रख देंगे, ताकि ये 4-5 सीटी मार दे, और ये जो मसाला हमने इसमें पकाया है उसकी महक निकल जाए। निकलने के बाद ये देखिए हमने एक बाउल में निकाल दे रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से ये छोला मेरा बन के तैयार हुआ है। और आप इसमें हमने ऊपर से धनिया डाल दिया है, तो और प्याज हरी मिर्च के साथ और नींबू के साथ और भटूरे के साथ आप लोग इसको खाइएगा। तो मेरे छोले कैसे बने हैं आप लोग प्लीज़ इसको थोड़ा सा शेयर करिएगा, और शेयर करने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मेरे छोले कैसे लगे हैं, और मेरा 1000 घंटा पूरा कराने में मदद करिए। नमस्ते दोस्तों।